आज की बहुत ही बड़ी खबर बिहार बोर्ड की तरफ से। बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र जो रिजल्ट को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, न्यू अपडेट। सभी छात्रों के लिए, मेल हो या फीमेल हो, सभी छात्र इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से अभी अभी की नई अपडेट जारी हुई है सभी छात्रों के लिए। तो चलिए वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है सबसे पहले इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी छात्रों को शेयर करिए, लाइक करिए। और चैनल पर न्यू यूजर है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल आइकन वाली घंटी को भी हिट कर दीजिए कि बिहार बोर्ड से तमाम न्यूज अपडेट आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहां दिखाएंगे कि बीएसबी 2021 रिजल्ट को लेकर न्यू अपडेट जारी किया गया है। यहां पर देखिए, आपको बताया जा रहा है कि बीएसबी बिहार बोर्ड 10th और 12th रिजल्ट 2021 अपडेट इस दिन जारी हो सकता है। जारी बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट, ये डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। लिंक, इस लिंक के माध्यम से आप लोग अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं, रोल कोड और रोल नंबर के माध्यम से। ठीक, देखिए bihar.gov.in बिहार बोर्ड का ऑफिशियल लिंक है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक, ये गूगल पे भी सर्च करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की अपडेट जान लेते हैं पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, देखिए नए अपडेट के अनुसार कक्षा 12वीं की मूल्यांकन प्रक्रिया 19 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक, पहले ये था 15 मार्च तक, 5 मार्च से आप लोगों का इंटरमीडिएट का। पहले हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की, फिर बात करेंगे मैट्रिक के छात्रों की। ठीक है, तो दोनों छात्र इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बात कर लेते हैं, 5 मार्च तक आप लोगों की कॉपी की जो है जांच स्टार्ट हो गया था और 15 मार्च तक इसका डेट, लास्ट डेट रखा गया था। यानी 15 मार्च तक आप लोगों का कॉपी का जो जांच है पूरा कर लिया जाता। लेकिन इसे क्या है कि कुछ अधिकारी, कुछ शिक्षकों के द्वारा लापरवाही के वजह से जो है ये डेट आगे बढ़ा दिया गया, 2 दिन आगे बढ़ा, यानी 17 मार्च तक। अब 17 मार्च से 19 मार्च कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी जो है लापरवाही चल रही है, जिसके कारण जो आप लोगों का कॉपी का जांच है जो पूरा नहीं हो पाया है, तो 19 मार्च तक इसे बढ़ाकर कर दिया गया है, यानी कल तक आप लोगों का ये जो है डेट रखा गया है। अब देखिए, बात करते हैं, जबकि कक्षा 10वीं की मूल्यांकन 24 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगी। यहां पर देखिए बताया जा रहा है 24 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप बिहार बोर्ड परीक्षा के इस वर्ष के परिणाम में देरी हो सकती है। दोस्तों ये बड़ी खबर है। देखिए, बताया जा रहा है कि 10वीं के जो मूल्यांकन है वो 12 मार्च से शुरुआत हुआ था और 24 मार्च को ही समाप्त हो जाएगा, और 12वीं की जो मूल्यांकन है 5 मार्च को शुरुआत हुआ था और 19 मार्च को ख़त्म होगा। यानी जो 12वीं की जो शिक्षक, जो मतलब जो कॉपी जांच कर रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लापरवाही है, इसके कारण जो है इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है थोड़ा सा लेट होगा। अब इसकी आज की पूरी अपडेट जान लेते हैं, क्या न्यू अपडेट निकल कर आया हुआ है। देखिए, बताया जा रहा है कि इधर 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक कई हाई स्कूल से अभी तक नहीं भेजे गए हैं। इसको लेकर परीक्षा समिति ने स्कूलों के प्रिंसिपलों को तलब किया है। प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी में ही संपन्न हो गई थी। बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक परीक्षाओं में प्रायोगिक परीक्षाओं के अंकों जोड़ा जाता है, इसलिए जिन स्कूलों ने अभी तक प्रायोगिक परीक्षा का अंक नहीं भेजा है उनसे अविलंब है अंक भेजने का दिया गया है। मतलब ये बात तो कही गई है, ठीक है, सभी कॉलेज में। अब चलिए, यहाँ पर यह भी अपडेट निकल कर आया हुआ है। बताया जा रहा है कि 25 मार्च को पिछले साल जारी हुआ था परिणाम। ठीक है, आप लोगों को पिछले साल का भी रिकॉर्ड बताया जा रहा है, जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो भी बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि पिछले साल 12वीं क्लास का परिणाम कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से ठीक पहले 25 मार्च 2020 को जारी किया गया था, जबकि 10वीं का परिणाम जो है 26 मई 2020 को जारी किया गया था। ये बड़ी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड तक बात है, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से एक ऐसा बिहार बोर्ड ऑफिशियल जो बोर्ड है जो आप लोगों का रिजल्ट जो है सबसे पहले, हर बोर्ड से पहले रिजल्ट जारी करता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। देखिए, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि होली का त्यौहार 29 मार्च को पड़ने के कारण माना जा रहा है कि अप्रैल में परिणाम घोषित होने की संभावना है। हालांकि अभी तक रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। ताज़ा अपडेट हैं उनके छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है, यहाँ पर बता रहा है
कि चल रहा कापियों का मूल्यांकन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 की 2021 के तहत सॉरी 2021 बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2021 की कापियों का मूल्यांकन 12 मार्च से 24 मार्च के बीच किया जा रहा है। उन्होंने बताया ये भी बात कि मैट्रिक की कापियों के मूल्यांकन में इसलिए वक्त लग रहा है क्योंकि सोशल साइंस का पेपर जो है रद्द हो गया था। आप लोगों को मालूम होगा सोशल साइंस का जो पेपर रद्द हो गया था इसमें भी टाइम ले सकता है क्योंकि 8 मार्च को दोबारा से मैट्रिक सोशल साइंस का पेपर जो है कराया जा रहा था। अब सारे पेपर हो गए हैं चूँकि इसलिए उसका मूल्यांकन का काम चल रहा है। यह बड़ी इंफॉर्मेशन है तो मैट्रिक का जो रिजल्ट है सबसे पहले जारी हो जाता। अब जानिए कब घोषित हो सकता है बिहार बीएसबी बिहार रिजल्ट 2021। चलिए इसके बारे में भी बताते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा इस साल मार्च के आखिरी तक इंटर परिणाम के परिणाम जो है जारी करने की उम्मीद हालांकि बताई जा रही है, लेकिन इसमें क्या है होली का त्यौहार 29 मार्च को पड़ने के कारण माना जा रहा है कि अप्रैल में परिणाम घोषित होने की संभावना है क्योंकि यह भी बताया जा रहा है। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और भी अपडेट है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जितने भी छात्र बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इतने लाख छात्रों को बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। इस साल इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए 13 देख सकते हैं 0.5 लाख जो है उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, और साथ ही अन्य 16.8 लाख जो है उम्मीदवारों ने बीएसबी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं परिणाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। 10वीं का परिणाम कक्षा 12वीं के बाद जारी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसमें बताया जा रहा है जानिए कब तक आएगा एडमिट कार्ड। 10वीं परीक्षाओं की कॉपियां जांचने का काम 13 मार्च से शुरू किया गया था जिसमें 24 मार्च तक खत्म होने की संभावना बताई गई थी। इस तरह 12वीं के परिणाम जो है परीक्षा कॉपी की जांचने की काम जो है 19 मार्च तक जो है उम्मीद बनाई जा रही है। अब इसमें देखिए यह भी बताया जा रहा है कि आप लोगों का आंसर की जो है जारी कर दिया गया था बिहार बोर्ड की तरफ से। आपको सभी छात्रों को मालूम होगा बिहार में 10वीं की परीक्षाएं 24 मार्च जो है परीक्षाएं जो है 24 फरवरी को खत्म हो गई थी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं जो है 13 फरवरी को ही खत्म हुआ था। बोर्ड ने इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए आंसर की जारी कर दिया है जिसके लिए 16 मार्च 2021 तक आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया गया था। ठीक है, जो कि 16 मार्च बीत चुका है। बिहार बोर्ड द्वारा इस मार्च के आखिरी तक इंटर के परिणाम जो है जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थी जो आज की अपडेट नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से। देखिए बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी अपडेट आता है सबसे पहले इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा बिहार बोर्ड की तरफ से जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है इसमें अब जो अगले मतलब जो है महीने में जारी किया जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यानी 2 से 3 तारीख के बीच जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, मार्च में नहीं जारी होगा, इस बात को ठान लीजिए, इस बात को मान लीजिए आप सभी छात्र। तो मार्च में आप लोगों का रिजल्ट जारी नहीं होगा, इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है अप्रैल के 2-3 तारीख को जारी होगा, और जो आप लोगों का मैट्रिक वाला रिजल्ट है वो होगा मात्र 10 तारीख के बीच। ठीक है, अप्रैल के 10 तारीख में। तो ये बड़ी खबर थी आज की न्यूज अपडेट। कैसा रहा इन्फॉर्मेशन कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा। बिहार बोर्ड से पल पल की अपडेट पाने के लिए इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, बगल में बेल आइकन वाली घंटी को भी हिट कर दीजिए कि आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले मिले। और सभी छात्रों को मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बिहार बोर्ड के जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक चैनल अलग से खोला गया है जिसका नेम है स्ट्रगल स्टडी एकेडमी, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है। देख सकते हैं यहां पर हमने स्ट्रगल स्टडी एकेडमी यूट्यूब पर सर्च कर दिया, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें 520 वीडियो अवेलेबल डाल दिया गया है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब का और घंटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यूट्यूब पर सर्च करिएगा स्ट्रगल स्टडी एकेडमी तो आपको दिखने को मिल जाएगा, या इस चैनल का लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बिहार बोर्ड का टीचर रखा गया है आप लोगों के लिए पर्सनली, सिर्फ आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड का मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तैयारी के लिए। ठीक है, आप लोग आसानी से बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं मैट्रिक इंटरमीडिएट के तैयारी कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को कुछ अंदर का फेस भी दिखा देते हैं। देखिए इसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री
केमिस्ट्री बायो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हैं आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सभी छात्रों के लिए गुड इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज, क्योंकि आप लोगों के लिए ही आप लोगों ने बोला था मुझसे कि सर एक अलग से सेकेंड चैनल खोलिए जिसमें हम तैयारी कर सकें, तो ये आप लोगों के लिए सेकेंड चैनल खोल दिया गया है। हालांकि आप लोगों के लिए इसमें अलग से टीचर रखा गया है, क्योंकि आप लोगों के लिए सिर्फ बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटरमीडिएट के टीचरों के लिए, आप लोगों सभी स्टूडेंट्स के लिए ये तैयारी विलंब किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग इस पर अच्छे तरह से तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं तैयारी शुरू से, ठीक है। आप लोग इस पर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में मैसेज करिए, आप लोगों को इसकी जुड़ी जानकारी जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नहीं तो आप लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेशन में बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन इस चैनल पर भी मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए कैसा रहा ये इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। सभी छात्रों को शेयर करिए फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सभी एप्लीकेशन पे। बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटरमीडिएट के सभी छात्रों को मालूम चलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ही इतना सारा कुछ हेल्प किया जा रहा है, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।